कक्षा 8 गणित। मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को चतुर्भुज की रचना की प्रश्नावली 11.6 करवाने जा रहा हूं। चलिए इसमें देखते हैं चतुर्भुज बनते कैसे हैं। तो यह उदाहरण नंबर 10 है आपके सामने। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है। इसमें क्या चीज है, ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर और बी डी दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर। इन सभी नापों को पहले लिख करके हम एक रफ चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। ये हमने समांतर चतुर्भुज का एक रफ चित्र बना लिया है। ये एक समांतर चतुर्भुज ले लिया मैंने और इसका एक रफ चित्र बना करके इस पर नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसके बाद ए सी दिया हुआ है, ये है आपका ए सी। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 5.6, तो 5.6 इसके ऊपर लिख दीजिए। फिर इसके बाद दिया है बी डी, बी डी कितना दिया है, ये 7.6 है, तो यहाँ 7.6 लिख दीजिए। तो चलिए ये आपको आगे दिखाते हैं अब कैसे होगा। तो पहले हम इन दूरियों का आधा कर लेते हैं। तो 5.6 का आधा कर लेंगे तो 5.6/2, 2×2=4 हो जाएगा और 2×8=16 हो जाएगा। और दूसरी दूरी जो थी वो 7.6 है, इसको भी 2×2 कर लीजिए तो 2×3=6 और 2×8=16। यानी ये दूरी और ये दूरी आ रही है, इससे हमें त्रिभुज बनाएंगे, फिर इसके बाद हमारा समांतर चतुर्भुज बनेगा। चलिए देखते हैं, पहले हम रेखा खींचते हैं 5 सेंटीमीटर की। तो ये एक स्केल हो गया हमारा, 5 सेंटीमीटर की रेखा हम इसमें खींच लेते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा आपके सामने देखो खींच दी गई है। स्केल को हटाना है और इस पर नाम लिख देते हैं, ये ए है और ये बी है और दूरी कितनी हो गई है 5 सेंटीमीटर। अब हमें लेना है प्रकार में इसका आधा, यानी 5.6 का आधा 2.8। चलिए लेते हैं, तो इसमें हम 2.8 की दूरी लेंगे प्रकार में भर करके। तो चलिए देखते हैं, प्रकार में हम 2.8 की दूरी ले रहे हैं। ये ये 2.8 आपको दिखाई दे रहा है, ये 2.8 की दूरी ले दी गई है। अब इसको कहाँ रखना है, बिंदु ए पे रखना है और चाप लगाना है। ये आपने चाप लगा दिया यहां पर। अब क्या करना है, अब आपको लेना है 7.6 का आधा 3.8, तो 3.8 भी ले लेते हैं इसी पर रख करके। देखिए 3.8 की दूरी लेनी है हमें, ये 3.8 की दूरी ले ली हमने, ये 3.8 हो गई है देखो। अब इसको कहाँ रखना है, बी पे रखना है और फिर चाप लगाना है। तो देखो चाप लगाने के लिए इसको इधर कर लेते हैं, ये देखो चाप आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये चाप आ गया। अब क्या करना है, इसको हटा देना है, स्केल को भी हटा दीजिए और प्रकार को भी हटा दीजिए और ये रेखा इनसे मिलाते हुए खींच देनी है। तो ये रेखा आपने खींच दी है मिला करके और दूसरी रेखा बी से भी थी तो इसको भी खींच दीजिए ऐसे ही जहां पर ये काट रहा था। मान लीजिए ये बिंदु ओ था तो इसके ओ लिख दीजिए इस बिंदु को। अब क्या करना है, जितनी ये दूरी प्रकार में ली गई थी उस दूरी को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही ये तो ली हुई है, इस प्रकार की नोक को यहां रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ये हमने चाप लगा दिया। अब इसके बाद प्रकार की नोक को हम ए पे रखेंगे और फिर से उसी दूरी को नापने की कोशिश करेंगे जिससे हमने चाप लगाया था। तो देखो ये चाप जो लगाया गया उससे दूरी मिल गई है। अब इसको रखेंगे कहां, बिंदु ओ पे रखेंगे और फिर से एक चाप लगा देंगे। ये चाप लग गया है, अब हम प्रकार को हटा देंगे और बिंदु को लिखेंगे कौन कौन से। ये बी बिंदु आया था, ये आपका सी बिंदु मिला है और ये बिंदु मिला है डी। अब क्या करना है, बी से सी को मिलाना है। देखो बी को सी से मिला दिया और सी को डी से मिला देना है, ये सी को डी से मिला दिया और डी को ए से मिला देंगे तो ये समांतर चतुर्भुज हमारा बन जाएगा। इसमें ये जो सभी नापे दी हुई है नापे भी लिख लीजिए। ये नाप कितनी हो जाएगी, ये 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगी और इधर की जो दूरी थी वो 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है इस समांतर चतुर्भुज को बना सकते हैं। अब इसका हम रचना के पद लिखेंगे, देखते हैं रचना के पद में कैसे काम करता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग कि एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं। तो यहां लिखेंगे एक रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। ये हमने रेखाखंड खींच दिया है। अब क्या करा हमने नंबर 2 में, दूसरी रेखा में क्या लेना, दूसरे में ये जो है 5.6 का आधा लिखा गया था, तो 5.6/2 बराबर
दो दुनी चार और दो अठे 14, 2.8 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेकर बिंदु ए से एक चाप लगाया। अब आता है नंबर तीन। अब 7.6 का आधा कर लेंगे तो ये जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, यानी 3.8 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेकर बिंदु बी से एक चाप लगाया। नंबर चार, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। बी ओ को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा तथा ए ओ को मिलाते हुए दूसरा रेखाखंड खींचा। नंबर पांच, प्रकार में मैं एसी बराबर कितने 5.6 सेंटीमीटर दूरी लेकर बिंदु ए से एक चाप लगाया जो बिंदु सी पर काटता है। ओ को केंद्र लेकर के आधी लगानी पड़ेगी दूरी, एक ही मतलब है इनका। अब यहां नंबर 6 पे आते हैं और प्रकार में बी डी बराबर 7.6 सेंटीमीटर लेकर एक चाप बिंदु बी से लगाया। जो रेखा को डी पर काटता है बी सी सी डी व डी ए को मिलाया। नंबर 7, तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। तो यहां तक रचना आपको लिखनी पड़ेगी। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। ये उदाहरण नंबर 11 है। एक सम चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है जिसका विकर्ण एसी 6 सेंटीमीटर तथा बीडी 8 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो पेज वहीं चलना है हमें लेकर के जहां बनना है। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी एसी खींचेंगे। एसी की लंबाई हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं एसी आपको 6 सेंटीमीटर खींच के दिखा रहा हूं। ये एसी हमने 6 सेंटीमीटर खींचा, स्केल हटा देंगे और इसका नाम लिख लेंगे। ये ए है और ये सी है। कितनी है ये 6 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, प्रकार की सहायता से इसका लंबवर्धक खींचते हैं। तो देखते हैं लंबवर्धक कैसे खींचते हैं। ये आधे से ज्यादा दूरी ले ली हमने और चाप लगा देते हैं। चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, एक तो चाप यहां लगा आपका और दूसरा चाप नीचे की तरफ लगेगा। चलिए नीचे देखते हैं लगा करके कैसे लगता है। ये चाप आपने लगा दिया, ऐसी हमने यहां पे रखा और इसको दूसरा चाप लगाने का प्रयास किया। ये वास्तव में हम क्या करें, लंबवर्धक खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका हो गया है और ऊपर भी ऐसी चाप लगाएंगे और लंबवर्धक खींचने का प्रयास करेंगे। देखिए खींचता है ये आपने लगा दिया चाप। अब क्या करना है, इसको प्रकार को हटाना है और इनको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। चलिए देख लेते हैं रेखाखंड कैसे खींचेगा। तो ये मैंने मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दिया है। अब इस रेखाखंड
के लिए जो बीडी की आधी दूरी है, बीडी की आधी दूरी कितनी हो जाएगी, देखो बीडी बटे दो बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। चलिए 4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरनी है अब हमें, तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी मैं लेके दिखा रहा हूं, ये है प्रकार हमारा। अब इसमें हमने ली 4 सेंटीमीटर की दूरी, ये है दूरी ले लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया है। और इसको बिंदु O पे रख देते हैं, ये बिंदु O है हमारा, बिंदु O पे रख देते हैं और ऊपर की तरफ एक चाप लगा देते हैं, ये चाप लगा दिया आपने, ऐसे ही नीचे की तरफ भी चाप लगाएंगे बिल्कुल सेम। तो जरा देखते हैं इसको चाप लगाकर क्या होता है, ये चाप लगा दिया हमने। अब इसको हम हटा देते हैं और प्रकार को हटा लेते हैं, इस रेखा को हम जरा बढ़ा लेते हैं ऊपर की तरफ, ये रेखाखंड बढ़ गया है हमारा, और ऐसे ही नीचे की तरफ भी रेखाखंड बढ़ा दीजिए, ये रेखाखंड आपका बढ़ गया है। तो जो बिंदु मिलेगा वो देखते हैं क्या मिलता है, ये ए हो गया, ये बिंदु बी मिला है, ये सी हो गया और ये बिंदु डी मिल गया है। अब क्या करना है, ए से बी को मिलाना है, ये ए से बी मिल गया है, बी से सी को मिलाना है और फिर सी से डी को मिलाना है और डी से फिर ए को मिलाना है, तो ये हमारे पास एक समचतुर्भुज बनके तैयार हो जाएगा। चलिए इस रचना को हमें लिखना भी है, यानी इसके पदों को लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना रचना के पद लिखना है, ये ऊपर हमने 8 सेंटीमीटर का पूरा लिया था तो 4 सेंटीमीटर तो ये हो गया आपका, और 4 ही सेंटीमीटर इधर हो गया, तो पूरा मिला करके 8 सेंटीमीटर हो गया था। चलिए देखते हैं जरा क्या करते हैं, पहले नंबर एक रचना के पद में क्या हो गया, एक रेखाखंड AC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, पहला हो गया। नंबर दो क्या है, AC का लंबवर्धक, खींचा जो AC को बिंदु O पर काटता है। नंबर तीन, प्रकार में BD/2 मतलब 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर O से दोनों ओर चाप लगाया। नंबर चार, ये चाप लंबवर्धक को बिंदु बी व डी पर काटते हैं। नंबर पांच, AB, BC, CD व DA को मिलाया। नंबर छह, तो ये जो बना ABCD अभिस्त क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ये यहां तक की रचना आप लोगों को बच्चों लिखनी पड़ेगी। चलिए अगले उसमें चलते हैं, प्रश्नावली ये 11.6 है, इसमें एक वर्ग की रचना करनी है जिसका विकर्ण AC 7 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं इस विकर्ण की रचना को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम AC को खींचेंगे और ये स्केल है, स्केल से हम AC को खींचना चालू करते हैं, 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। देखिए ये 7 सेंटीमीटर की लाइन आपके सामने दिखाई दे रही है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया है। अब स्केल को हटा देते हैं और प्रकार ले लेते हैं, प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, इसका लंबवर्धक करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ये A है और ये C है और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये भी लिख लीजिए क्योंकि रचना के पदों में काम आएगा ये। अब ये प्रकार हमने लिया है और इसमें आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं
और फिर चाप लगाने का प्रयास करते हैं। ये देखो आधे से ज्यादा दूरी ले ली है मैंने, अब क्या करना है, मैं चाप ऊपर को भी लगाना है और नीचे को भी लगाना। तो एक चाप तो ऊपर हो गया और एक चाप हम नीचे की तरफ ले लेते हैं, ये चाप यहां ले लेते हैं। चलिए अब क्या करना है, इसको बिंदु सी पे रखना है आपको, और बिंदु सी पर रख करके फिर से चाप लगाने का प्रयास करते हैं। ये देखो एक चाप यहां लग गया और ऊपर की तरफ भी चाप लगा देते हैं। तो ऊपर की चाप जब लगाएंगे तब ये आसानी से हो जाएगा, ये चाप हमने लगा दिया है। अब इसको हटा देते हैं प्रकार को और लाइन मिला देते हैं। तो ये लाइन हमने मिला दी है, देखो यहाँ पे ये बिंदु ओ पर काट रहा है, तो इस पे बिंदु को ओ लिख दीजिए। और इसके बाद क्या करना है, इस रेखा को थोड़ा सा ऊपर तक बढ़ा दीजिए, ये रेखा जो है जरा ऊपर तक रहेगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगी। ये लाइन हमारी ऊपर तक हो गई है और नीचे की तरफ भी ये लाइन थोड़ी नीचे तक बढ़ा दीजिए, ये देखो नीचे तक आ गई है। अब क्या करना है, प्रकार लेना है, प्रकार को बीचों बीच रखना है यहाँ पर, और ये दूरी प्रकार में भर लेनी है, जो दूरी यहाँ दिखाई दे रही है। अब ये दूरी हमने प्रकार में भर ली है, अब इसको ऊपर की ओर चाप लगाएंगे, यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो देखो ये चाप लग गया, एक आपका चाप दिख रहा है, ये ऐसा ही ठीक चाप नीचे की तरफ भी लगाएंगे हम। तो देखते हैं नीचे की तरफ भी चाप लगा करके, ये चाप यहाँ पे लग रहा है, देखो ये चाप लग गया आपका। अब प्रकार को हटाना है, अब बिंदुओं का नाम लिख लेना है। नाम क्या होगा, ए तो ये है ही है, ये आपका बिंदु बी हो जाएगा, बिंदु सी है और ये बिंदु डी हो जाएगा। करना क्या है, ए से बी को मिलाना है, ए से बी को देखो यहाँ मिला दिया है, बी को फिर सी से मिलाना है और सी को डी से मिलाना है। ये देखिए डी से मिल गया है और डी को फिर ए से मिला देंगे, तो ये हमारा वर्ग बन करके तैयार हो जाएगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। और यही रचना हमें आपको लिखनी पड़ेगी, रचना के पदों को वैसे ही लिखना जैसे आपने बनाया है। रचना के पदों को चलो लिख लेते हैं, जरा देखते हैं रचना के पद कैसे लिखे जाएंगे। नंबर एक, हमने एसी पहले खींचा था, तो यहां लिखेंगे एक रेखाखंड एसी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, पहला पद हो गया। दूसरा पद में क्या है, एसी का लंब अर्धक, लंब अर्धक खींचा जो एसी को बिंदु ओ पर काटता है। नंबर तीन, बिंदु ओ से ओए दूरी लेकर, ओए दूरी प्रकार में लेकर दोनों ओर चाप लगाया। ये चाप लंबार्धक को बिंदु बी व डी पर काटते हैं। नंबर पांच, ए बी बी सी सी डी व डी ए को मिलाया। नंबर छह, ये जो चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी, एक अभीष्ट वर्ग है, बस यहां तक रचना आपको करनी है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर दो पे। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करनी है, जिसमें ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, विकर्ण ए सी दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर और विकर्ण बी डी भी दिया है 8.4 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले हम स्केल से ए बी रेखा को खींचेंगे, तो चलो देखते हैं ए बी रेखा को पहले इसका बना लेते हैं, एक रफ चतुर्भुज बना लीजिए, चलो देख लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज बनाना है हमें, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बना लिया मैंने, तो ये हो जाएगा ए बी सी और ये डी। ए बी 4 दिया हुआ है और इसके बाद ए सी दिया हुआ है 6.2, तो यहाँ 6.2 लिख दे रहा हूं, और इसके बाद बी डी दिया हुआ है, यानी ये बी डी दिया हुआ है आपको, ये कितना दिया है 8.4, तो 8.4 लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले हम ए बी को खींचेंगे 4 सेंटीमीटर, तो स्केल ले लेते हैं, स्केल से हम 4 सेंटीमीटर की लाइन बना लेते हैं यहां से। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर की लाइन बनके तैयार हो रही है, ये 4 सेंटीमीटर हमने ए बी खींच लिया है,
अब क्या करना है, चलिए स्केल को हटा देता हूं मैं। अब जो है इसका आधा, किसका, एसी का आधा लेंगे। तो एसी का आधा कितना होगा, एसी हमारे पास है कितना, 6.2 है, इसका बटे दो करेंगे तो 2 × 6 = 3.1 इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। और दूसरा जो था वो बीडी का आधा लेना है, तो बीडी का आधा कितना हो जाएगा, बीडी का आधा है 8.4/2 यानी 2 × 8 और 2 × 4, ये दोनों खींचने हैं। चलिए देखते हैं, स्केल निकाल लेते हैं, स्केल से हम दूरी भरने का प्रयास करेंगे। पहले दूरी लेनी है हमें, ये वाली दूरी लेनी है, ये बिंदु O हो गया, O तक की बात करेंगे। तो पहले AC का लेंगे हम 3.1, चलिए पहले 3.1 दूरी हम प्रकार में भरते हैं। ये आपकी प्रकार की नोक हो गई है, अब ये 3.1 देखो इसमें भर लेते हैं। ये 3.1 की दूरी हो गई है, और ये कहां, बिंदु A पे रखना है हमें। पहले फिलहाल इसको हटा देता हूं दोनों को, और ये बिंदु का नाम लिख लेते हैं A, और ये बी, और ये 4 सेंटीमीटर, तो थोड़ी आसानी रहेगी। अब ये हमने क्या लिया, जो हमने लेना था इसको, अब इससे हमें चाप लगाना है ऊपर की तरफ, तो यहां हमने चाप लगा दिया ये। अब दूरी हमें लेनी है कितनी, ये तो हमने ली थी 3.1, अब 4.2 की दूरी लेनी है। चलिए 4.2 की दूरी लेकर के हम चाप लगाएंगे, तो ये प्रकार हटा दे रहा हूं मैं, और ये दूरी लेने के लिए तैयार हो गया हूं। तो सबसे पहले प्रकार यहां रखेंगे, और दूरी कितनी लेनी है बच्चों, ध्यान रखना, थोड़ा प्रकार और इधर हटाइए, ये आपकी दूरी यहां लेने में आसानी रहेगी, 4.2 की दूरी लेनी है। तो ये 4.2 की दूरी मैं यहां लेके दिखा रहा हूं, देखो ये 4.2 दूरी आ गई आराम से, इसको हटा दीजिए। अब यहां स्केल हटा देते हैं, और इस प्रकार की नोक को यहां रखना है, और इसको फिर चाप लगा लेते हैं। देखो ये चाप लगा रहे हैं हम, तो ये आसानी से चाप लग गया है। अब इसको हटा देता हूं मैं, और इस बिंदु का नाम जो है डाल देता हूं, ये बिंदु O आ गया। इनसे मिलाते हुए रेखा खींचनी है, यानी ये आपको B से खींचना है, ये रेखा खींच जाएगी, O से होती हुई रेखा खींचनी है, फिर A से भी रखना है, और O से होती हुई ये दूसरी रेखा खींचनी है। तो ये दूसरी रेखा मैंने खींच दी है, अब क्या करना है आपको, जितनी दूरी है ये प्रकार में देखो, प्रकार लेना है, और प्रकार को बिंदु O पे रख दीजिए, ये बिंदु O पे रखा गया। अब इस दूरी को जो है, जितनी दूरी पहले आपने नापी थी AO वाली चाप, उतनी दूरी इसमें भर लीजिए, और इससे ऊपर की तरफ दूसरी तरफ चाप लगाना है, यहां पे हमें चाप लगाना है, ये देखो चाप लग गया है। अब क्या करना है, प्रकार में दूरी ये वाली भर लीजिए, OB वाली दूरी भर लीजिए, और फिर ये चाप हम दूसरी तरफ लगाएंगे, इस तरफ लगा देंगे, ये देखो यहां पर भी चाप लग गया है। अब इसको हटा दीजिए, हटाने के बाद नाम लिख लेते हैं, ये ए बी है, और यहां पर ये बिंदु C आ जाएगा, और ये D आ जाएगा। अब इनको मिलाना है, तो B को C से मिला देता हूं, देखो B को C से मिला दिया, और C को D से मिला देता हूं, और D को कैसे मिलाना है, A से मिलाना है, तो ये समांतर चतुर्भुज बनके तैयार हो जाएगा, जिसके हम रचना के पद अभी लिखना चालू करेंगे। चलिए देखते हैं रचना के पद कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला रचना के पद में आएगा AB बराबर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, यहां लिखेंगे एक रेखाखंड ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, ये पहला पद था। दूसरा क्या है, एसी का आधा, यानी एसी बटे दो कितना आया था, ये आया था आपका 6.2/2 बराबर 3.1 सेंटीमीटर, प्रकार में भरकर बिंदु ए से एक चाप लगाया, नंबर 3 बीडी का आधा कर दीजिए, तो बीडी बटे दो यानी कितना था, ये 8.4/2 यानी 4.2 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में लेकर एक चाप बिंदु बी से लगाया, नंबर 4 दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं,
नंबर 5, ए ओ व बी ओ को आगे बढ़ाया, नंबर 6, ओ ए दूरी लेकर बिंदु ओ से एक चाप लगाया जो सी पर काटता है, इसी प्रकार क्या करा हमने, ओपी दूरी लेकर बिंदु ओ से एक चाप लगाया जो बिंदु डी पर काटता है, नंबर 8, बी सी सी डी व डी ए को मिलाया, नंबर 9, चतुर्भुज बन गया हमारा ए बी सी डी एक अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। यहां तक रचना आपको लिखनी है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक समचतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें विकर्ण EG बराबर 7 सेंटीमीटर और एक और विकर्ण दिया हुआ है FH बराबर 8.4 सेंटीमीटर को। तो चलिए देखते हैं इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये एक रफ समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये एक रफ समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया है, ये करके ये ऐसा समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं मैं, सम चतुर्भुज है ये हमारा। तो इसमें नाम देना चालू कर दे रहा हूं मैं, यहां ई से शुरू कर रहा हूं, ई एफ जी और एच। तो हमें मान जो दिया हुआ है वो एफ एच का दिया हुआ है, एफ और एच यानी ये वाला मान दिया हुआ है। एफ एच मान जो है वो 8.4 है, तो यहां लिख दूं मैं 8.4 सेंटीमीटर। और ये जो है ई जी, ई से लेके जी तक यानी ये वाली दूरी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं 7 सेंटीमीटर का कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल से एक रेखाखंड खींचेंगे हम 7 सेंटीमीटर का। तो देखिए 7 सेंटीमीटर तो दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं खींच करके दिखा दे रहा हूं, ये यहां से लिया गया है और ये 7 सेंटीमीटर का खींच दिया गया है। अब क्या करना है, स्केल को तो हटा देना है और हटाने के बाद जो है आपको प्रकार लेना है और प्रकार में जो भरनी है आधे से अधिक दूरी भरनी है। तो चलिए आधे से अधिक दूरी देख लेते हैं, ये आधे से अधिक दूरी हो गई है। और क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ हम चाप लगा लेते हैं। यहाँ पे देखो चाप लगा दिया हमने ये, और ऐसा ही चाप नीचे की तरफ भी लगाएंगे हम। तो नीचे जरा लगा के देखते हैं कैसे बैठता है चाप, ये नीचे आ गया है तो ये चाप मैंने लगा दिया नीचे की तरफ भी बच्चों। अब क्या करना है, ये बिंदु हमारा जो था, प्रकार हटा दूं, पहले बिंदु लिख लूं मैं यहाँ पे, ये बिंदु था हमारे पास ई और ये बिंदु जी था, दूरी कितनी आई थी 7 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार को फिर से रख दे रहे हैं उसी जगह पे और फिर ये जी पर रख करके प्रकार को हम फिर हम खींचने का एक चाप कोशिश करते हैं। ये चाप हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, देखो ये दूसरा चाप लग गया है। अब इसको ऊपर की तरफ भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर भी एक चाप लग जाएगा, ये चाप आपका लग गया है। अब प्रकार को हटा देना है, प्रकार हटाने के बाद जो है यहां से एक रेखा खींचनी है। तो ये रेखा खींच के मैं दिखा रहा हूं आपको, ये एक रेखा खींच गई है, चलिए ये रेखा खींच गई है आपकी। और ये जो बिंदु मिला हमें वो बिंदु मिला है ओ ये। अब इसको रेखाखंड को नीचे भी बढ़ा लेते हैं, ये देखिए नीचे की तरफ मैं बढ़ा दे रहा हूं, ये बढ़ा दिया है। अब 8.4 का आधा लेंगे, तो देखो 8.4 का मैं आधा यहां दिखा रहा हूं, 8.4 का आधा कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, 4.2। तो 4.2 जो है आपको स्केल में भरना है, स्केल में भरना चांदे में, ये स्केल है, स्केल में 4.2 भर के दिखा रहा हूं मैं। ये प्रकार लिया हमने, प्रकार को यहां रखना है और 4.2 की दूरी भर के दिखानी है इसमें। चलिए 4.2 की दूरी आपके सामने दिखाई दे रही है, ये देखो 4.2 की दूरी हो गई है। अब इसको रखना है यहां पर और ये बिंदु ओ पे रखा जाएगा। अब इसके बाद स्केल तो हटा दीजिए, अब ये ऊपर की तरफ चाप लगाना है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक चाप लग चुका है आपका
और नीचे की तरफ भी चाप लगाना है बच्चों, ये नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर भी चाप लगा देंगे और इस तरीके से चाप लगा करके इसको प्रकार को हटाना है। अब इनके नाम देने हैं, ये ई हो गया, ये बिंदु एफ आ गया और ये जी आ गया, जी तो यहां दिया हुआ और ये एच आ गया आपका। तो ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, ये 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, नाप के देख सकते हो आप। अब क्या करना है, रेखाखंडों को मिलाना है, तो ये ई से लेके एफ को मिला देते हैं, ये देखो एफ मिल गया, फिर एफ से लेंगे ये जी को मिला देंगे, फिर जी लेंगे तो एच को मिला देंगे, फिर एच को लेंगे तो ये ई को मिला देंगे, तो ये हमारा एक समचतुर्भुज बन के तैयार हो जाएगा। तो इसका हमें रचना के पद भी इसमें लिखने बचे हैं, तो बचे हैं तो उसको लिख लेते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। रचना के पद हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो रचना के पद में सबसे पहले क्या आता है, एक रेखाखंड खींचते हैं, तो एक रेखाखंड कौन सा खींचा था, ई जी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, पहली रचना का पद हो गया। नंबर दो, ई जी का लंबवर्धक, खींचा। नंबर तीन, प्रकार में 8.4/2 बराबर हो गया 4.2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु ओ से दोनों ओर चाप लगाया। नंबर चार, ये चाप लंबार्धक को बिंदु एफ व एच पर काटते हैं। नंबर पांच, ई एफ, एफ जी, जी एच व एच ई को मिलाया। नंबर छह, ये जो चतुर्भुज बना है कौन सा, ई एफ जी एच अभीष्ट समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, यहां तक की रचना इसको लिखनी पड़ेगी। अब चलते हैं हम नंबर चार पे, एक वर्ग पी क्यू आर एस की रचना करनी है जिसमें विकर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो चलो देखते हैं ये भी विकर्ण कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम एक वर्ग, रफ वर्ग बना लेते हैं, तो ये वर्ग थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको, देखो लेकिन वर्ग मैंने बना दिया है, ये इसमें सारी भुजाएं मेरी बराबर है, बस शर्त यह है कि P है ये दिया हुआ, ये Q दिया हुआ है, ये R है और ये S है, इसमें PR विकर्ण दिया हुआ है, ये वाला विकर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, तो देखते हैं कैसे बनता है। चलिए सबसे पहले हमें ये एक लाइन ही वही खींचनी है जो PR दी हुई है, कितनी कितनी है 5 सेंटीमीटर की, तो देखिए PR खींच के दिखा रहा हूं मैं 5 सेंटीमीटर, तो ये है PR, तो यहां से आप खींचना चालू करिए, 5 सेंटीमीटर की लाइन ये खींच गई है। अब ये PR 5 सेंटीमीटर हो गई, अब स्केल को तो हटा देते हैं, अब आ गया काम प्रकार का, प्रकार से हमें खींचना है लंबवर्धक, तो ये लंबवर्धक खींचने का प्रयास करते हैं, इसमें जो दूरी भर रहे हैं वो आधे से ज्यादा दूरी लेनी है, तो ये आधे से ज्यादा दूरी ले ली है, अब इसमें चाप मैं लगाना चालू करूंगा यहां। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ चाप लगाते हैं, ये आपको चाप दिखाई दे रहा है, और फिर नीचे की तरफ वही चाप लाना पड़ता है, तो ये चाप नीचे की तरफ भी लगा दिया गया है। अब इसको बिंदु को चेंज कर रहा हूं, बिंदु यहां आ गया है आपका, अब इसको फिर से हमें चाप लगाना है, ये थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे चाप ही लग रहा है, तो ये चाप भी लगा दिया गया आपको, और इसको थोड़ा ऊपर भी बढ़ा देते हैं, तो ऊपर का भी चाप ये लग गया है। अब प्रकार को हटा दीजिए, इसके नाम दे दीजिए, नाम क्या था, ये पी था और ये आर था नाम इसका, और ये जो बिंदु आया P, यहां पर ये Q आ गया, ये R है और ये बिंदु S हो गया, अब इनको मिलाना है, तो ये देखो मिलाते हुए लंबवर्धक हमें खींचना था, ये लंबवर्धक मैंने खींच दिया है, और ये जो जहां काटता है ये बिंदु हमारा O हो गया, तो इसको हमने O कर दिया है। अब इसको क्या करना है, नीचे की तरफ भी बढ़ा दीजिए जरा थोड़ा सा आगे, ये नीचे मैंने बढ़ा दिया इसको, देखो आराम से। अब प्रकार लेना है, प्रकार में जो दूरी है ये यहां से भरेंगे आप, और यहां से भरने के बाद जो है दूरी जो लेनी है हमें PR तक की लेनी है, और ये दूरी लेने के बाद जो है ऊपर की तरफ हमें चाप लगाना है, देखो
ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहां भी बन जाए वहीं चाप लगाना है आपको। तो पहले मैं ये चाप एक यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये आपका, और एक ऊपर की तरफ ले जाके लगाऊंगा, ये एक चाप और दिखाई दे रहा है आपको, ये चाप हो गया है। अब इसको प्रकार को हटाना है, अब ये जो चाप बिंदु आया है वही क्यू बिंदु है और ये एस बिंदु है, अब इनको मिलाना है। तो क्यू से इसको मिला दिया गया है और यहाँ से आर को मिला दिया है और आर को एस से मिला दिया है, देखो यहाँ पे, और इस एस से पी को मिला दिया। तो ये हमारा एक वर्ग बन जाएगा जिसके रचना के पद को हमें लिखना है। चलो देखते हैं कैसे रचना के पदों को लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, रचना का पहला पद आता है एक रेखाखंड पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, ये पहला पद हो गया हमारे पास। नंबर दो में क्या है, पी आर का लंबवर्धक, खींचा, जो पी आर को बिंदु ओ पर काटता है। नंबर तीन, ओ आर की दूरी प्रकार में लेकर दोनों ओर चाप लगाया। नंबर चार, ये चाप लंबवर्धक को बिंदु Q व S पर काटते हैं। चलिए नंबर पांच देखिए क्या हुआ। अब हमें जब बिंदु मिल गया तो PQ, QR, RS तथा SP को मिलाया। नंबर छह, ये जो चतुर्भुज बना है कौन सा बना है, PQRS, अभीष्ट वर्ग है, अभीष्ट वर्ग है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज मेरी समाप्त हो रही है यहाँ पे। तो आप लोग को नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और कम से कम मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे जिससे मैं आगे वीडियो अच्छे से बना करके देता रहूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों का यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ।